हेलो दोस्तों, अगर आप खुद को एक स्मार्ट व्यक्ति समझते हो तो इस वीडियो में मैं आपसे 6 पहेलियां पूछने वाला हूं, जिनमें से अगर आप 2-4 पहेलियों का जवाब भी दे पाते हो तो आप ये समझ लेना कि आप बाकियों से स्मार्ट हो। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपको हर एक पहेली का जवाब मात्र 10 सेकंड के अंदर कमेंट करना है। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं किसमें कितना है दम। सवाल नंबर 6। एक गाड़ी में 2 बाप और 2 बेटे हैं, लेकिन कुल मिलाकर उस गाड़ी में केवल 3 लोग ही मौजूद हैं। तो आप बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है? और आपका समय शुरू होता है अब। तो इस सवाल का जवाब है कि उस गाड़ी में एक ग्रैंडफादर, एक फादर और एक बेटा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ग्रैंडफादर और फादर 2 पिता हो गए और फादर और सन बेटे हो गए। तो हो गया ना कि उस गाड़ी में टोटल 3 लोग हैं, लेकिन गिनती करोगे तो आप 4 लोग ही कर सकते हो। सवाल नंबर 5। मेरे पास शहर है लेकिन घर नहीं है, जंगल है लेकिन पेड़ नहीं है, पानी है लेकिन मछली नहीं है, तो बताओ मैं क्या हूं? और आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का जवाब है मैप। मैप यानी नक्शा। नक्शे में आपको जंगल, पानी, बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, लेकिन हकीकत में उस नक्शे में सिर्फ फोटो होती है, उसमें ऐसा कुछ भी रियल नहीं होता। सवाल नंबर 4। वो कौन सी चीज है जो आप सामने वाले को देने के बाद भी बचा लेते हो? आपका समय शुरू होता है अब। इसका जवाब उतना मुश्किल भी नहीं है। इसका जवाब है योर वर्ड, यानी कि आपके शब्द। जब आप सामने वाले को कोई शब्द बोलते हो तो आपके पास तो वो शब्द का भंडार है। आप उसे कुछ बोलोगे तो आपके पास ऑलरेडी वो चीज रहती है हमेशा के लिए। सवाल नंबर 3। एक नदी के किनारे पर 2 लोग खड़े हुए हैं और दोनों लोगों को नदी को पार करना है, यानी कि दूसरे किनारे पर जाना है, लेकिन संजोग से वहां पर सिर्फ एक ही नाव पड़ी है और उस नाव का इस्तेमाल केवल एक ही इंसान कर सकता है। तो आप बताइए कि वह दोनों लोग नदी को पार कैसे करेंगे? आपका समय शुरू होता है अब। वे दोनों लोग नदी को बहुत ही आसानी के साथ पार कर लेंगे, क्योंकि वो दोनों अलग अलग कोने पे खड़े हैं, यानी कि एक इंसान इधर खड़ा है और एक इंसान नदी के उस साइड खड़ा है। तो पहले ये जाएगा और फिर वहां से वो चला आएगा। सवाल नंबर 2। एक आदमी एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है, वहां पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो इंसान गलती से एक चीज को टक्कर मार देता है, कुछ टूटने की आवाज आती है और कोई मर जाता है। तो बताइए कि उस कमरे में आखिर हुआ क्या था? इसका जवाब है कि उस आदमी ने गलती से एक फिश टैंक को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वो फिश टैंक नीचे गिरा, कांच टूट गया और उसमें जो मछलियां थी वो मर गई। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की। तो आप इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस फोटो में ये जो महिला है वो पीछे मुड़कर क्यों देख रही है? आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आप इस फोटो को ध्यान से देख पाओगे तो आप देख सकते हो कि लड़के की नाक बहुत लंबी है और वैसे ही नाक उस आदमी के हस्बैंड की भी है। तो जब वो औरत इस बच्चे की नाक को देखती है तब वो पीछे मुड़कर ये कंफर्म करती है कि क्या सच में इसकी नाक भी मेरे हस्बैंड की तरह है क्या, और आप फोटो में बाकी चीज़ देख सकते हो।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपसे 6 गजब की पहेलियाँ पूछी और आप मुझे नीचे कमेंट में ये बताओ कि आपने कितनी पहेलियों का जवाब दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करना, बहुत ज़्यादा पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।